वहाँ महिला बैठे हैं, फिर उनके बीच में आप लोग जाकर के बैठते हैं। इधर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से शिहाब भाई बात किया, हमारे अली नौरानी साहब बात किए, अभी और ज्यादा बात की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सबको जो है हम मधु करते हैं। टेंथ एनिवर्सरी कॉन्फ्रेंस में मार्च 1-2-3 तारीख इंशाल्लाह वहां बड़े पीर औसुल आलम अब्दुल कादर जीलानी कुद्दसुल्लाहु सिर्रहु अजीज बड़े पीर का औसुल आलम का पोता इंशाल्लाह मार्च 3 तारीख को आने वाले हैं। आप सब लोगों को हम मधु करते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे दुआ लेने के लिए दक्षिण दिनाजपुर में आएंगे इंशाल्लाह। गौसुल आलम को जानते हैं ना, हम 11वीं शरीफ नहीं करते हैं, 11वीं शरीफ करने वाले हैं इस तरफ। हाँ इंशाल्लाह, तो वहां से सज्जाद नशीन गौसुल आलम का पीर दस्तगीर का गौसुल आलम का वहां का उनका पोता और वहां के इमाम सज्जाद नशीन इंशाल्लाह अल्लामा मुफ्ती आफिफुद्दीन जीलानी साहब तशरीफ आने वाले हैं। उस प्रोग्राम में इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगू होंगे। अभी मैं आपसे रुख्सत लूंगा और उससे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे महिला हमारे लोग जो है बैठे हैं, कोई कुछ लोग जो है टिप लगा करके बैठे हैं। मैं जब नहीं जानता हूँ ये इस्लाम का तरीका है क्या नहीं, लेकिन मेरा हमारा एरिया में जो है इस्लाम का तरीका नहीं है, इसलिए जो भी टिप लगा करके बैठे हैं उसको खाली करना बेहतर है। और हमारे नौजवान बहुत जो है बड़ा या चेन सब पहन गए हैं, उनको भी बताता हूँ वो भी इस्लाम का तरीका नहीं है। फिर बाकी आप खुद जो है इस डिसीजन लीजिएगा। अभी सब लोगों से हम जो है चंद